Welcome to the Love and Light 369 Tarot. How are you guys? कैसे हो आप सभी? I hope कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे. सो मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेकर के. रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए, और जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हो आप देख सकते हो. लाइक आपकी कोई भी सिचुएशन हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप हो गया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, फ्रेंड के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए देखनी है, जो भी जैसी भी आपकी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो. और जेंडर का भी कोई इशू नहीं है गाइस, ठीक है. और एक और चीज़, जब मैं शफल करूँ तो उस टाइम पे आपको एक छोटी सी प्रे ज़रूर करनी है. जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो उनका नाम और उनके बारे में आप क्या जानना चाहते हो ये चीज़ भी आप उसमें मेंशन करें. एंड आप एक छोटी सी प्रे करें, जिस भी ईश्वर, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, आपका बिलीफ है, उनसे आप प्रे करें कि वो चीज़ आप उस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो और वो रीडिंग के थ्रू आपको मैसेज दें. अगर आपके ईश्वर को सही लगेगा कि हाँ इस वक्त में वो मैसेजेस आप तक पहुंचने चाहिए, सो वो आपको डेफिनेटली देंगे. अदरवाइज होप्स मत खोइए, होप बना करके रखिए, आपका आंसर आपको मिलेगा. क्योंकि वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता है, राइट. सो वक्त आने पर मिलेगा ज़रूर. एंड इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज सभी के साथ रेजोनेट करें. कुछ चीज़ें रेजोनेट भी करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगी. सो जो रेजोनेट करता है उसको आप ले लीजिए, जो नहीं करता है दूसरों के लिए छोड़ दीजिए. बिकॉज एक कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, सो एनर्जीज भी अलग अलग आएंगी, ठीक है. ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आपको ये रीडिंग मिले या फिर आप जब भी इस तक पहुँचो आप इसे देख सकते हो. कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मान लो आपने 2 घंटे डिले कर दिया या फिर आप 3 दिन बाद देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है. एक्चुअली आप कुछ भी डिसाइड करके देखो, वो डिपेंड करेगा एनर्जीज़ के ऊपर कि ईश्वर आपको वो, ईश्वर ही एक चाह रहे होंगे कि आप इसको 3 दिन बाद देखो या 2 घंटे बाद देखो, बिकॉज शायद ये रीडिंग आपके लिए उसी वक्त के लिए बनी है, ठीक है. सो इस तरीके से ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसी इंटेंशन के साथ बनाई जाती है. सो आप भी उसके साथ वैसी इंटेंशन रखें. कोई टाइम लिमिट नहीं है. जिस रीडिंग में टाइम लिमिट होता है वो मैं आपको बता देती हूँ. और ये ज़्यादातर होता है जैसे कि हम मंथली, वीकली या फिर ईयर प्रेडिक्शन करते हैं तब, ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जाकर के कांटेक्ट करें, मैसेज करें, आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स मैं दे दूँगी. और इस बात का ध्यान रखिए कि कमेंट बॉक्स में नंबर मिल रहे हैं या कहीं और से मिल रहे हैं, सारे फेक हैं, ठीक है. उस पर आप अपना ध्यान खुद दें कि हमें किसी भी ऐसे फेक नंबर या बाहर से कोई नंबर नहीं उठाना. अगर आप मुझसे ही कनेक्ट होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रियल नंबर है, तो वही लें, ठीक है. दूसरी चीज़, अगर आप उसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हो. आप सभी का वहाँ पर भी बहुत बहुत स्वागत है. एंड तीसरी चीज़, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है नीचे, उसको क्लिक कर दें. उसी के बगल में बेल आइकन का बटन है, उसको भी क्लिक कर दें. जैसे ही आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे तो आपके सामने 2-3 ऑप्शंस खुल के आएंगे, उसमें से आपने ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है. ऐसा करने पर जो वीडियो या रीडिंग मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और उसके थ्रू आप वीडियो सबसे पहले देख पाओगे. और इसमें कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है, सिर्फ आपको क्लिक करना होता है, ओके. सो अब मैं शफलिंग शुरू करूँगी. अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं
मेरा जो रीडिंग करने का तरीका है, पहले मैं थोड़ी पास्ट की एनर्जीज देखूंगी, देन प्रेजेंट, देन फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स एंड नेक्स्ट मूव. ओके, सो अगर मुझे नेक्स्ट मूव में एक्शन दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि वो एक्शन कब तक होगा. अगर मुझे नेक्स्ट मूव में सेम एनर्जी दिखती है सो वो मैं आपको बताऊंगी, जो भी मुझे दिखेगा, जैसा मुझे दिखेगा वैसे मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, सो देखेंगे हम सबसे पहले पास्ट की एनर्जीज. हे ईश्वर, मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जीज कैसे रही थी, इस रिलेशनशिप की पास्ट की एनर्जीज कैसे रही थी. सो जो पास्ट की एनर्जीज थी, प्लीज़ यूनिवर्स, हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे गाइड करें प्रभु. आप सभी को वेरी हैप्पी जन्माष्टमी गाइस. मैंने सुबह भी नहीं विश किया, आई डोंट नो, दिमाग से निकल जाता है. और मैंने कोई कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं डाला. अभी थोड़ा सा क्या चल रहा है कि वैसे तबीयत ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा लो सा मैं फील कर रही हूँ, जिसके चलते जो है ऐसा ही हो रहा है थोड़ा सा. बट मैं पोस्ट कर दूँगी. यस, द लवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स. ओके, दिस इज योर पास्ट एनर्जीज. हे ईश्वर, मुझे प्रेजेंट एनर्जीज बताएं, प्रेजेंट में भी क्या चल रहा है. टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, जस्टिस, डेथ एंड रीबर्थ. And we have three of swords. Okay. Feelings, emotions, thoughts क्या है मेरे viewers के लिए. Devil, eight of swords, Two of Wands and Page of Pentacles. Next move. Page of Swords. Okay. All right. Numbers and signs. सबसे पहले साइन बता देती हूँ, जो यहाँ पर स्ट्रांगली हाइलाइटेड साइंस हैं वो है जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो. बहुत स्ट्रांग साइन है. मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि और मकर राशि. ठीक है, बहुत स्ट्रांगली ये साइन यहाँ पर आए हैं. उसके अलावा अगर मैं देखूँ कोई स्ट्रांगली साइन यहाँ पर, तो वो है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, एरीज एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि और मेष राशि. तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली हाईलाइटेड नजर आती हैं. नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 15, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 10, नंबर 3, नंबर अगेन 11, नंबर 13 एंड नंबर 3. ओके, सो हाईलाइटेड नंबर में अगर मैं देखूँ तो नंबर 11 भी है एंड नंबर 3 भी है. ठीक है, उसके अलावा अगर मैं नंबर्स देखूँ तो नंबर 6 है, नंबर 3 अगेन एंड नंबर 8. सो नंबर 3, नंबर 11 बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर. और अगर मैं बात करूँ तो जून जुलाई के मंथ, दोनों मंथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है यहाँ पर. ठीक है, एंड अप्रैल का मंथ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मंथ है. नवंबर का मंथ भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मंथ है. ठीक है, सो ये मंथ स्ट्रांगली है, जून जुलाई अप्रैल एंड नवंबर. ठीक है, स्ट्रांगली. और नंबर 11 और 3 नंबर बहुत स्ट्रांग है. साइन मैंने आपको बता दिए, जो भी स्ट्रांगली साइंस थे सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है.
मुझे ये चीज़ दिखती है कि अभी या तो आपका ब्रेकअप चल रहा है या फिर बात तो आपकी बिल्कुल नहीं हो रही है इनसे। दूसरी बात ये कि आई थिंक आप अपनी लाइफ में एक सच्चा प्यार, जिसे हम ट्रू लव कहते हैं, सच्चा प्यार कहते हैं, शिद्दत वाला प्यार कहते हैं, रूह वाला प्यार कहते हैं, सोल से सोल कनेक्शन कहते हैं, आई थिंक ऐसा प्यार आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे थे। उस वक्त ये शख्स आपको मिले, ये इंसान जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, और ये मिले तो इनका जो एक इमोशनल अटैचमेंट या सपोर्ट रहा आपके लिए, तो उससे आपको ये फील हुआ कि यही वो इंसान है जो कि सच में मुझसे प्यार कर सकता है या फिर सच्चा प्यार कर सकता है। बिकॉज आई फील कि काफ़ी रोमांटिक बातें करते होंगे, काफ़ी इमोशनल बातें करते होंगे, जिसके चलते इनकी बातों से ये झलकता था कि इंसान प्यार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और इसकी नज़रों में प्यार की बहुत बड़ी अहमियत है और ये सब कुछ उसको करने के लिए, उसके लिए सब कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये कहीं ना कहीं मुझे दिखता है। एंड जब आप किसी रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे थे, जब आप फाइंड कर रहे थे ट्रू लव को, सच्चे प्यार को, सो आपकी एक्सपेक्टेशन इनसे मिलने से पहले ही, एक रिलेशनशिप से और एक पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, और जब ये मिले तो वो एक्सपेक्टेशंस बरकरार रहीं, बट आई फील कि उन एक्सपेक्टेशंस पर ये खरे नहीं उतरे। जो आपकी उम्मीदें थी, जो आपकी सोच थी, आई थिंक कि रिलेशनशिप में आने के बाद में सब कुछ उसका उल्टा ही हुआ है। ओके, सो आई थिंक आप में से कुछ लोग तो, और मुझे ये भी दिखते जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी ज़्यादा वेटिंग पर रखा है, जैसे कि हर चीज़ के लिए आप तरसे हो, बात करने के लिए भी तरसे हो, थोड़ा सा टाइम मिल जाए वो भी आप मांगते थे। आई फील कि तरसाना, जिसे कहते हैं कि तरसे बहुत हो, कोई भी चीज़ इजीली मिली नहीं है, इन्होंने हर चीज़ डिले करके दी है, इन्होंने हर, चाहे वो फीलिंग हो, चाहे वो बात करना हो या टाइम देना हो, हमेशा इन्होंने ऐसे ही दिया है, मतलब कि आपने मांग मांग करके लिया है, ऐसा मुझे दिखता है। शुरू शुरू में तो ये खुद, इनका खुद का बहुत ज़्यादा पैशन नज़र आ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके शायद आई थिंक इनके बिहेवियर में चेंज आपको नज़र आने लगा, ये मुझे दिखता है। मे भी आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिखता है कि आप दोनों तरसते थे एक दूसरे से मिलने के लिए, और अब तो हालात ये हैं कि शायद अभी आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, चीज़ें आई थिंक वो काफ़ी दूर जा चुके हैं। आपको ऐसा फील होता है या फील होता था कि आपको ना एक टाइम ऐसा आया था पास्ट की एनर्जी में, जब आपको ये फील होने लगा था कि ये मेरे से धीरे धीरे करके दूर हो रहे हैं, और वो फीलिंग कहीं ना कहीं आपकी हकीकत हो गई कि इन्होंने फिर बिल्कुल बात करना बंद कर दिया, इन्होंने कुछ भी रिप्लाई देना बंद कर दिया, इनका बिहेवियर सडनली पूरी तरीके से चेंज हो गया। सो कहीं ना कहीं वो जो आपको गट फीलिंग आ रही थी वो सच होने लगी, एंड आई थिंक कि आप काफ़ी सहम से गए थे, और ये आपके लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, काफ़ी बड़ी बात थी आपके लिए। जस्ट अ मिनट गाइस, या सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि हाँ, एक चीज़ और नज़र आती है कि इन सारी चीज़ों ने आपको स्ट्रांग भी बहुत बनाया, बट उससे पहले तोड़ा भी बहुत है। लाइक आप बिल्कुल किसी और ही जोन में चले गए थे, किसी और ही इमोशनल ड्रामा में आप चले गए थे, लेकिन आई थिंक वक्त के साथ धीरे धीरे आपने एक स्ट्रेंथ इकट्ठा की, एंड आप स्ट्रांगली खड़े भी हुए। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखती है कि आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी, आपकी जो पर्सनालिटी है उसकी एक अलग ही साइड आपने जानी। जब आप उस दुख के टाइम में, उस तकलीफ के टाइम में थे, तो आप बहुत स्ट्रांग होकर के निकले उस एनर्जी से। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि वो इमोशनल फूल बनना होता है या वो इमोशनल ड्रामा होता है, कहीं ना कहीं वो इमोशंस पर आपने काबू पाया, कंट्रोल पाया, खुद को कंट्रोल करना सीखा, एंड हर चीज़ को स्ट्रांगली फेस करना भी आपने इसी इंसान से सीखा है और इसके पास्ट के बिहेवियर से सीखा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। अगर अभी मैं प्रेजेंट की सिचुएशन देखूं तो मुझे दो तीन सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आती हैं, एक एक करके मैं आपको क्लियर करती हूँ। पहली तो ये कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और मतलब कि मैं अनमैरिड ही है, ठीक है, जैसे कि आप भी अनमैरिड हो, वो भी अनमैरिड है, बट कोई थर्ड पार्टी है। दूसरी सिचुएशन में नज़र आता है जैसे कि इनकी शादी हो गई किसी और के साथ एंड ये मैरिड हो गए, लेकिन उससे पहले आपके साथ ये रिलेशनशिप में थे, ठीक है,
ओके सो दोनों ही चीज़ों में मुझे यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है कि अगर ये मैरिड हैं तो इनका कोई ना कोई लीगल इशू चल रहा है, ठीक है, एंड जो कि ख़त्म होने के वो कागार कहते तदार कहते जो भी, मतलब कि एक एक उसमें है जगह पर जहाँ पर इधर गए तो ख़त्म, इधर गए तो बच गए, सो वो वाली लास्ट उस पर है। सो आई थिंक कोई लीगल इशू चल रहा है जिसको यूनिक तरीके से आपके पार्टनर जो है छोड़ करके, आई थिंक इनके लिए टॉक्सिक हो गई वो, ठीक है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चली, या फिर इनको वो चीज़ नहीं मिली जो एक्सपेक्टेशन थी। सो कहीं ना कहीं इन्होंने डिवोर्स वगैरह का केस वगैरह फाइल किया, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एंड अभी ये है कि ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है बिकॉज किसी नतीजे पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये एक अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत चाहते बट वहाँ से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, सो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये दुखी हैं। ऐसा लगता है कि जो थर्ड पर्सन है यानी कि जो इनके हस्बैंड या वाइफ है उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, ठीक है। दूसरी एनर्जी मुझे ये बताती है कि थर्ड पार्टी तो है और लोगों के दिखावे के लिए तो शो ऑफ तो ऐसा हो रहा है कि ये इन दोनों के बीच में जो प्यार है वो किसी और के बीच में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो आपके पार्टनर जस्ट शो कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन ये सच में हैप्पी नहीं है। सो ये शो ऑफ हो रहा है सामने से, देखा जाए तो ये बहुत ही उदास है, परेशान है। सो आई थिंक ये वहाँ से सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि आगे का ही कार्ड डेथ का कार्ड है और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट ऐसा लगता है जैसे कि किसी चीज़ में फंस गए हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से काफ़ी हर्ट है, क्योंकि थ्री ऑफ सॉट्स का कार्ड है। ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से निकले बिकॉज ये अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, इनको वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। दूसरी बात, थर्ड पार्टी जो है अपनी मर्जी करती है, अपने हिसाब से चलती है, एंड आई थिंक कि सिर्फ दिखावा, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जो थर्ड पर्सन इनको दिखावा कर रही है, मतलब जो भी प्यार दे रही है वो एक दिखावा है, इनको ऐसा सडनली फील होने लगा है और इसीलिए ये वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। और थोड़े से हर्ट है कि इन्होंने इनको चूज़ किया बट इन्होंने, लेकिन थर्ड पार्टी ने इसके साथ क्या कर दिया, इस चीज़ को लेकर के थोड़े से दुखी हैं। और डेफिनेटली दुखी तो इंसान होगा ही क्योंकि एक ईगो हर्ट होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी कैसे आई, मतलब आपकी जगह पर इन्होंने उनको लाया, अब उनको लाया तो मतलब इन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया या फिर अट्रैक्शन के बेस पर उधर अट्रैक्ट हुए, कोई कार्मिक साइकिल था उनके साथ है, जो भी था, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो एक रिग्रेट तो होता ही है, मन में दुख तो होता ही है, तकलीफ तो होती है, वही तकलीफ वही दुख मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट आई फील कि अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज है तो इमोशनली सब कुछ ख़त्म हो चुका है उनके बीच में, अगर कुछ है बाकी अभी तो वो भी सिर्फ और सिर्फ बातों को क्लियर होना है, बट ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, मतलब कि इमोशनली तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सो इनकी ये प्रेजेंट सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आती है। सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गया था किसी का, मैंने बोला था ना आपसे जस्ट अ मिनट, तब मैंने इसको साइलेंट किया था और इतने में वो दूसरे पे आ गया। कोई बात नहीं, कहते ना कि चलाकी रखी रह जाती है, जब जो होना होता है तो होता ही होता है, तो इंसान की चलाकियाँ रखी रह जाती है। मैंने बड़ा ही दिमाग लगा करके इसको साइलेंट किया था और वो फिर वहाँ पर ओपन हो गया। सो वही चीज़ है। ओके सो रीडिंग पर फोकस करते हैं। सो ये तो मुझे इनकी प्रेजेंट सिचुएशन नज़र आते हैं जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, तकलीफ़ में है, परेशान है, खुश नहीं है बिल्कुल भी, जो भी इनकी लाइफ में इन्होंने किया या कर रहे हैं उस चीज़ से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, क्योंकि दो तीन कार्ड ऐसे हैं जो कि ये बताते हैं कि एक तरफ तो शो ऑफ वाली ज़िंदगी नज़र आती है, दूसरी तरफ इनकी अंदर की जो खुशी है वो नज़र आती है, अंदर से इंसान बड़ा ही दुखी है, बाहर से शो ऑफ कर रहा है कि इसकी लाइफ में जो मज़े हैं वो किसी और की लाइफ में नहीं है, ठीक है। अब आपकी तरफ अगर बढ़ूँ तो मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ रही है इनकी, ठीक है, आप जैसे कि इनका बहुत मन करता है आपको टच करने का, आपको फील करने का, आपके पास आने का, आपसे बातें करने का, आपसे रोमांटिकली आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, एंड कहीं ना कहीं हग करने का, एंड एक जो वो होता है ना कि एक थोड़ा सा इंसान की कंफर्टेबल फील होता है लाइक वो चीज़ करने का बहुत मन करता है इनका, ठीक है,
कि क्यों ना ये आपकी गोद में सर रख करके आराम से रिलैक्स करें, ऐसी ऐसी चीज़ें, लाइक कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं जो कि इंसान को काफ़ी रिलैक्स फील करवाती हैं, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें करने का बहुत मन करता है, लेकिन जैसे कि बड़ा मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हैं कि यू नो ये सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सोच करके ना अपना दिल जलाना हुआ और हासिल कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये जो है थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं खुद के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर एट ऑफ सॉट्स का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ सोच करके तकलीफ़ ही होगी, क्योंकि वो चीज़ मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ काम ही ऐसे किए हैं, मेरा ही दिल जलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़, बहुत डीपली इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, आपके साथ जो हुआ, आपके साथ जो इन्होंने किया उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, और जैसे खुद को दोषी मानना नहीं होता तो खुद को दोषी मान रहे हैं हर चीज़ के लिए, और उसका गिल्ट बहुत बड़ा इनके दिल में है। अब वो ये एक्सप्रेस करे खुल के या ना करे, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे कि ये इंसान जो है अड़ा हुआ है कि नहीं मेरी चीज़ सही है, मेरी बात सही है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इतना ईगो तो अभी भी इस इंसान में बाकी है कि गलती इंसान से ही हो जाती है, सो गलती की है तो इट्स ओके। लाइक मुझे ये नज़र आता है कि कुछ लोग अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं, बट इन्होंने जैसे कि खुद को माफ़ कर दिया है कि ठीक है एक्सेप्ट करता हूँ कि गलती मेरी और मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। सो देखो, मैं खुद ये बात कहती हूँ तो मैं इससे इनकार नहीं कर सकती, मैं खुद आप लोगों को यही बात कहती हूँ कि अगर आपसे भी कोई गलती हो जाती है, किसी का दिल दुख जाता है, तो सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरी वजह से हुआ, और पहले खुद को माफ करो कि मैंने खुद को माफ किया, और इंसान हूँ और इंसान से गलतियां होती हैं। सेम चीज वो भी कर ही रहे हैं, ठीक है, खुद को माफ कर रहे हैं ये मान करके कि मैं भगवान नहीं हूं, इंसान हूं और गलतियां हो जाती है, कोशिश जरूर करूंगा सुधारने की, बट मैं अपने आप को माफ करता हूं और गिल्ट में मुझे नहीं जीना, जो कि मुझे अच्छी लगी इनकी बात, ठीक है। बिकॉज अगर ये आपके लिए भी कोई स्टेप लेंगे तो इनका खुद को माफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये आपके लिए स्टेप ले पाएंगे। ओके, ओवरथिंक करते हैं, सोचते हैं, पुरानी बातें याद आती हैं, क्रेव करते हैं, खुद को कंट्रोल भी करते हैं और खुद को माफ़ भी कर चुके हैं। सो ये एनर्जी मुझे इनकी दिखती है। अगर नेक्स्ट मूव देखूं तो आगे आने वाले टाइम में, आगे जो एक हफ्ता होगा, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करेंगे। आगे आने वाले सीडिंग को देखने के बाद जो वीक होगा, मतलब कि सीडिंग को देखने के बाद के आगे के 7 दिन, ये बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करने वाले हैं, स्पाई करने वाले हैं, किसी भी थ्रू, सोशल मीडिया पे तो वैसे और नहीं तो वैसे, मतलब किसी ना किसी के बाद से तरीके से आपकी जानकारी निकालना, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आता है कि एक हफ्ते या एक महीने के अंदर आपको इनकी तरफ से कॉल या मैसेज भी आ सकता है, इनके नेक्स्ट मूव में मुझे वो भी दिख रहा है, बट स्टॉकिंग एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है कि जैसे कि आपको स्पाई करेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ में घुस करके देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, लाइक वो वाली एनर्जी, जासूसों वाली, ठीक है। तो वो मुझे दिखती है, एंड बहुत ज़्यादा मन भी करेगा इनका आगे आने वाले 7 दिनों में कि मैं अपने दिल की बात कह दूँ, मैं अपने दिल की बात कह दूँ, लेकिन वही है कि सिर्फ इतना ही रहेगा, कह दूँ, लेकिन कह नहीं पाएंगे। बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखता है कि इतनी हिम्मत जुटा लेंगे कि कह भी देंगे, कॉल या मैसेज कर देंगे, एक महीना या एक हफ्ता, तो ये टाइम मुझे यहाँ पर दिखता है, तो वो मैंने आपको बताया। इनके नेक्स्ट मूव में मुझे ये नज़र आता है। अब बात ये आती है कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। अगर ओवरऑल एनर्जी देखूं तो यहाँ पर यही है कि आपके पार्टनर ने जो किया उसका रिग्रेट है और ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को भुगत रहे हैं, और आपका एक ये है कि आप काफ़ी स्ट्रांग बन चुके हो, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि दोबारा से आप इनके साथ वो इमोशनली अटैच मत होइएगा। मैं तो ये कहती हूँ कि किसी भी इंसान के साथ ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट मत रखो जब तक कि पूरी तरीके से श्योर ना हो जाओ या फिर बात कमिटमेंट तक ना पहुँच जाए 100%। देखो, मैं आपसे हमेशा यही कहूँगी, जब आपकी शादी हो जाए, जब आप एक बंधन में बन जाओ, तो आप अपना 100% दो, डेफिनेटली आप अपना 100% दो, ठीक है। जितना प्यार देना है, जितना भी है आपके पास देने को, सब दे दो, बट
जब तक शादी ना हो किसी से इतनी अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि जब वो टूटती है तो खुद ही के ऊपर भारी पड़ती है। तो आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुके हो, तो मैं यही चाहूँगी कि ज़्यादा भावनाओं में मत बहो, मेडिटेशन करो, अपने आप को बैलेंस में रखो और इमोशनल चीज़ों से दूर रखो। सैड सॉन्ग एंड ये शायरी वगैरह से थोड़ा सा अपने आप को दूर कर लो और जितना हो सके अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करो, ये आपके लिए सबसे बढ़िया है। सैड सॉन्ग मत सुनिएगा, कोई भी नेगेटिव चीज़ मत देखिएगा सुनिएगा, जिससे कि आपको कुछ पुरानी बातें याद आए और आप इमोशनल हो रो जाओ, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने। अपने आप को जितना हो सके उतना हैप्पी रखने की कोशिश रखनी करनी है, खुश खुश रखने की कोशिश करनी है। तो ऐसे काम करो, ऐसी चीज़ें देखो जिसमें आप खुश रह सको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हीलिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आई होप कि आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।